हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अड्डा 24/7। मैं राहुल मीणा आप सभी का इसमें स्वागत करता हूँ। सो आई होप कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है काफी जोरों शोरों से चल रही होगी। एग्जाम का टाइम आ ही चुका है, ठीक है। तो आपकी उस प्रिपरेशन में थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए मैं यहाँ पर आपसे जुड़ चुका हूँ। सो गाइज, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक की आप बात कर ले उसके बगैर तो चीजें बन ही नहीं सकती हमारी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का रहेगा वो क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक। सो रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो एग्जाम में आता ही आता है, इसमें से क्वेश्चंस बनना ही बनना आपके पास। अब परसेंटेज की बात कर लें, प्रॉफिट लॉस की बात कर लें, एसआईसीआई की बात कर लें, मिक्सचर एलोकेशन की बात कर लें, ठीक है, या फिर डीआई की बात कर लें, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इसके बगैर बन सकता है, ठीक है। तो हर टॉपिक के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है, क्लियर। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे आपके पास, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे गाइस आज के पास, ठीक है। तो चलिए देखो, रेशियो प्रोपोर्शन की अगर बात कर ले हम लोग, तो आपको थोड़ा सा बेसिक अगर इसके अंदर बताना चाहें हम लोग कि भाई रेशियो प्रोपोर्शन आखिरकार होता क्या है, ठीक है। तो आप सबको एक चीज पता है कि रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, रेशियो में करना क्या होता है गाइस, कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन मतलब क्या, से मान के चलिए ए और बी, ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना है, आपस में कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन कई तरीके से हो सकता है, आप उनको सैलरी बेस पे कंपैरिजन करोगे, है ना, या फिर उनकी इनकम होगी कुछ ना कुछ, है ना, या फिर उनकी हाइट होगी, या फिर क्या हो गया, वेट हो गया। आप किसी भी बेस पे उनको कंपैरिजन करोगे, तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं नंबर्स, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए ए और बी है, तो इन दोनों का ही आपको कंपैरिजन करना है। तो किस बेस पे कंपैरिजन करते हैं, सपोज करो सैलरी के बेस पे। तो अगर आपने कहा कि भाई ए का जो सैलरी है बी से कितना है, ए का जो सैलरी है बी से कितना है, सपोज करो 10% मोर है, ठीक है, क्या है, 10% मोर। तो एक बात बताइए, 10%, तो पहली चीज तो 10% का मीनिंग क्या बनेगा, तो 10% जो होगा इसका मीनिंग बनेगा 1/10, फ्रैक्शंस में अगर देखे तो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम वो कंसिडर करते हैं जिसके साथ कंपेरिजन करा जाता है। तो आप यहां पर कंपेरिजन कर रहे हो, ए की सैलरी जो है वो बी से 10% मोर है, तो यहां पर ए की सैलरी ज्यादा है बी से, ठीक है। सो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा वो होगा बी, और ए का सैलरी ज्यादा है मतलब इसको पॉजिटिव फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा हमारे पास, ये पहली बात बनी, है ना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि एज सैलरी एज सपोज करो 33, 1/3% लेस देन बी सैलरी। अब ए का जो सैलरी है वो बी से कितना है, 33 1/3% लेस, तो अगर लेस की बात कर लें तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर लेस का फॉर्मेट तो यहां क्या करना है, माइनस करना है, जिससे कंपैरिजन करेंगे वो डिनोमिनेटर में होगा हमारे पास। तो गाइज यहां पर रहना आपके पास क्या, 3। अब ए का सैलरी कितना है, 33 1/3% लेस है बी से, तो अगर बी 3 हुआ तो ए कितना होगा हमारे पास, 2 होगा, ठीक है। कभी कभी कंपैरिजन ऐसे भी रहेंगे आपके पास कि ए का सैलरी बी से बी की सैलरी का 1/3 है ना, या फिर 2/3 मोर है, या फिर 1/3 मोर है, सपोज करो 1/3 मोर कहा जाए, या फिर सपोज करो 2/3 मोर कहा जाए, 2/3 मोर, तो डायरेक्टली उसने 2/3 मोर कहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेना पड़ेगा, है ना, डायरेक्टली कहा यहां। तो गाइज उस केस में ये होगा 3, और इसकी अगर बात कर ले तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह के कंपैरिजन आपके पास बनेंगे, ठीक है, और भी काफी सारे कंपैरिजन बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ गई कि रेशियो में हमें क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन करना है। और एक बात ध्यान रखना, जब आप इनको कंपेयर करोगे तो इनकी यूनिट्स क्या होना चाहिए, सिमिलर, मतलब क्या, अगर इसकी सैलरी तो इसकी भी सैलरी, इसका वेट तो इसका भी वेट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर रुपीज में है तो रुपीज में लेके चलना है, पैसे का फॉर्मेट है तो पैसे के फॉर्मेट में लेके चलना है, ठीक है। तो रेशियो में मतलब सिंपल सा कंपैरिजन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, ठीक है। चलिए अब देखो, जो आज हम लोग लेके आए हैं उसमें कुछ 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 बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब रेशियो की अगर और बात कर लें, जैसे मान के चलिए आपके पास दो नंबर लिखे, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी सपोज करो लिखा आपके पास कितना, 2:3, है ना, और इसके बाद में आपके पास लिखा हो बी रेशियो सी, और बी रेशियो सी आपके पास लिखा होगा 4:5, ठीक है, 4:5। अब आपको करना क्या है, यहां से यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कैसे निकालेंगे, अब इसको करने के लिए कई सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक जो ज्यादातर मेथड आप लोग देखते हो वो आपको पता है कि वो क्या होता है, एरो वाला मेथड होता है, बेसिकली एरो वाला मेथड। तो एरो वाले मेथड में क्या करते हैं, पहली चीज तो आप ये देख लीजिएगा कि जो यहाँ पर रिपीट नंबर जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट जो है वो डायगोनली होना चाहिए आपके पास, मतलब क्या, जैसे मान लो बी है तो बी डायगोनल फॉर्मेट में आपके पास है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आप क्या करना है कि जो एरो वाला मेथड होता है आपके पास उसमें क्या करते हैं कि भाई आप एक बार एरो ऊपर से नीचे लेके आओ, ऐसे,
ठीक है, ऐसे लेके आओ, ठीक है अच्छी बात है, और उसके बाद में फिर वापस इस एरो को यहां से इधर चलाएंगे ऊपर, वो भी ठीक है, फिर वापस नीचे से ऊपर से नीचे लेके आओ इसको, ऐसे बनेगा फिर, है ना। तो आप यहां से अगर लिखना चाहोगे कि भाई ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास कितना होने वाला है, ठीक है, तो आपने ऊपर से नीचे आना पहले, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो कहां आना है, इधर, ठीक है। सो टू फोर सा कितना हो गया, एट हो गया हमारे पास, क्लियर। फिर नीचे से ऊपर जाना है तो इस क्रॉस में जाएंगे यहां से, यहां तो फोर थ्री सा कितना हो गया, आप बोलेंगे सर ट्वेल्व हो गया ये, मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है कि डायरेक्टली ऊपर से नीचे आना, तो थ्री फाइव सा कितना हो गया, फिफ्टीन, तो बोले फिफ्टीन हो गया, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास क्या, एरो मेथड, कि एक बार नीचे आना है फिर ऊपर जाओ फिर वापस नीचे जाओ, तो रेशियो कितना हो गया, एट ट्वेल्व और फिफ्टीन का, डन, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं, है ना, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या होगा, तो दूसरा मेथड आपके पास क्या, बैलेंस मेथड, रेशियो मेथड बोल सकते हो उसको, बैलेंस मेथड बोल सकते हो, है ना। तो वो काफी इफेक्टिव है यार इसमें, आपको मतलब क्या ध्यान रखना है इसमें, कि अगर हम इसके में देखें कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी हमारे पास लिखा हुआ है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट ए रेशियो बी रेशियो सी, सो हाउ कैन वी कैलकुलेट। सो फर्स्ट कंडीशन तो आप ये देखिए कि यार यहां पर बी है और यहां पर बी है, दोनों जगह बी सिमिलर है, ठीक है। अब अगर वो एक ही है तो उसकी दो वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर इसकी वैल्यू थ्री है और एक वैल्यू क्या है, फोर है, यार दोनों वैल्यू अलग अलग है हमारे पास, तो इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर बनाना पड़ेगा। तो सिमिलर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल लीजिए आप लोग, एलसीएम निकाल लो, तो थ्री और फोर का एलसीएम कितना बनेगा, ट्वेल्व बनेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, थ्री से, क्लियर। अब होगा क्या, देखो फोर टू सा कितना हो गया, एट हो गया हमारे पास, फोर थ्री सा कितना हो गया, ट्वेल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। अब थ्री फोर सा ट्वेल्व ऑलरेडी आ चुका है, थ्री फाइव सा फिफ्टीन, तो ये बना हमारे पास कितना, ये बन गई बात हमारी, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना है हम लोगों को, ठीक है। और भी होते हैं कि भाई ए रेशो बी है, बी रेशो सी है, सी रेशो डी होगा, फिर ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना, तो वो भी इसी मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। बट हम लोग अभी सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। चलिएगा, अब देखो इसमें दूसरी चीज और क्या हो सकती है, कि आपको क्वेश्चंस और भी कैसे आ सकते हैं। सपोज करो आपके पास ऐसा आ गया, आपके पास ये तो हो गया ना, अभी सिर्फ इन दो तीन का ही देखेंगे हम लोग। मान के चलिए आपके पास लिखा है टू बाई थ्री ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री बी इज इक्वल टू टू बाई फाइव सी, क्लियर, ये लिखा हो आपके पास। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट ए रेशो बी रेशो सी, कि ए रेशो बी रेशो सी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है भाई, कि हमें क्या निकालना है यहां से, ए रेशो बी रेशो सी, वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन, है ना। अब कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के भी दो तीन मेथड बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। दो तीन मेथड कैसे कैसे बनेंगे आपके पास, देखो पहली चीज तो ये हो जाएगी कि हम इन दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है। इन दोनों को अगर इक्वल किया हम लोगों ने, सो यहां से हम लोग ए रेशो बी निकाल सकते हैं, डन, ओके। अगर हम एक बार इन दोनों को इक्वल कर दें यहां से, तो वहां से क्या हो जाएगा कि आप बी रेशो सी निकाल सकते हो। यहां से ए रेशो बी आ गया, यहां से बी रेशो सी आ गया। नाउ यू नो कि भाई ए रेशो बी रेशो सी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डन, वो तो हो जाएगा, ठीक है। बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। वो एक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और मेथड बनता है इसका, कि आप इसकी इक्वेट में आप मान लीजिए क्या, के मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने के कंसिडर किया, तो आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट एक बार के एक बार इक्वल कर दीजिए, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है इसको के इक्वल कर दीजिए, और ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार के इक्वल कर दीजिए, तो वहां से ए रेशो बी रेशो सी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग ये भी मेथड यूज नहीं करने वाले, ठीक है। तो बोले सर क्या कर रहे हैं हम लोग, तो भाई देखो आपको क्या निकालना है, यहां से फोकस किस पे करना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो करना है क्या, सिंपल ये डायरेक्टली देखो, ए रेशो बी रेशो सी लिखा आपने, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जितने भी फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, इनको आप लोग उधर लेके जाइए और उनको रिवर्स कर दीजिए, बस रिवर्स कर देना है। मतलब क्या कि टू बाई थ्री, तो उधर जाके कितना हो गया, थ्री बाय टू हो गया, ठीक है। वन थर्ड है, वन बाय थ्री, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर थ्री बाय वन हो जाएगा। ये टू बाय फाइव है, उधर जाके कितना हो गया आपके पास, फाइव बाय टू हो गया, क्लियर बात, बोले ठीक है सर। अब ये फ्रैक्शन वाला मैटर है, ठीक है। तो रेशो में ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज मिलती है, तो उन्हें आप किसमें चेंज कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्मेट में। तो सिंपल फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, तो देखो सिंपल फॉर्मेट में जस्ट चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, कि जो डिनोमिनेटर से इनका आप निकालो एलसीएम,
तो डिनोमिनेटर में कौन है आपके पास, टू वन और टू है, तो एलसीएम कितना बना, टू बना डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको टू से मल्टीप्लीकेशन किया, इसको टू से मल्टीप्लीकेशन किया, इसको टू से मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, सो देखो ये तो कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा थ्री, ये कितना हुआ थ्री टू जा सिक्स, और ये कितना हो गया हमारे पास, दोनों कैंसिल हो गए फाइव, तो रेशियो हमारे पास कितना आएगा, थ्री रेशियो सिक्स रेशियो फाइव, क्लियर बात सभी को, ओके ठीक है। तो देखो आसान सा क्वेश्चन था कि हम इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा कंसेप्ट देखा था हम लोगों ने, है ना। अब देखो ये जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो कंप्यूटर जी जरा फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए इसमें, ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए इसमें, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो देख लेते हैं जरा उसको, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ गाइस, देखो जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि रुपीज 8600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी सच दैट 40% ऑफ ए 60% ऑफ बी एंड 33/3% ऑफ सी आर इक्वल, देन फाइंड द पार्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ए और बी का पार्ट निकालना है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो समझना जरा बात को, है ना, कि पहली चीज तो ये कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज, फ्रैक्शन और परसेंटेज वाला फॉर्मेट तो आना चाहिए अच्छे से यार, है ना। तो पहला पार्ट आपके पास लिखा 40%, ठीक है। सो 40% का जो मीनिंग होगा वो कितना बनेगा आपके पास, 40% मतलब कितना होता है, 2 बाय कितना हो जाएगा 5 बनेगा, अरे 20 दो 40 20 500 हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा 60% की अगर बात कर ले हम लोग, तो 60% मीनिंग क्या हो गया, 20 3 60 होगा, 20 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो ये लिखा आपके पास 33/1/3%, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती, 1/3 होती है हमारे पास, कितनी होती है 1/3 होती है, क्लियर है। अब यार देखो 40% ऑफ ए, तो ये 2/2/5 बेसिकली, तो 2/5 ऑफ ए, 2/5 ऑफ क्या हो गया आपके पास, ए हो गया, ठीक है। 3/5 ऑफ बी, तो 3/5 हो जाएगा आपके पास किसका, बी का, ठीक है। 3/5 ऑफ किसका हो गया, बी हो गया हमारे पास। अब 33/1/3% किसका, सी का, मतलब कितना 1/3, तो यहां से आप बोल सकते हो कि 1/3 किसका हमारे पास, सी का है, ठीक है। तो यहां से पहले आप क्या करेंगे कि ए रेशो बी रेशो सी निकाल लेते हैं, वो तो अभी सीखा हम लोगों ने कि कैसे निकालेंगे, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। सो देखिएगा इनको आप रिवर्स करेंगे उधर लेके, तो आपने अगर रिवर्स किया तो इट बिकम्स 5/2, इट बिकम्स 5/3, इट बिकम्स 3/1, ठीक है, इट बिकम्स, लिख देते हैं इसको थोड़ा सा, ये आपके पास कितना बन गया 3/1, ठीक। अब करना क्या है, बस एलसीएम निकालेंगे, देखो एलसीएम कितना बनेगा, 6 बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो भाई यहां पर 6 आ गया, इधर 6 आ गया, और इधर भी कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर आप देखो तो देखो ये 2 से कितनी बार गया, 3, तो 5 3 से कितना, 15, 3 से कितनी बार गया, 2, सो 5 2 से कितना हो गया, 10, 6 3 से कितना हो गया आपके पास, 18, 6 3 से कितना हो गया, 18 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यार देखो ये वाला पार्ट हमारे पास आ चुका है कि भाई ए रेशो बी रेशो सी आपने निकाल दिया, बोले ठीक है। अब इसी रेशो में आपको डिवाइड कितना करना है, 8600 रुपीज, तो 8600 रुपीज को अगर आप इस रेशो में डिवाइड करोगे तो पहले आप इसका क्या करोगे, सम करोगे, ठीक है। तो भाई सम करिए जरा, कितना बन रहा है, देखो ये कितना है, 18 है, तो 18 अगर आपके पास है तो इसको 15 कंसिडर करो, 15 15 कितना हो गया, 30 40, और 3 कितना, 43, सो आप बोलेंगे 43 पार्ट्स, ठीक है। सो 43 पार्ट्स का वैल्यू किसके बराबर होगा, 8600, ठीक है। सो अगर वन पार्ट की बात कर ले तो कितनी बार जाएगा, देखो जरा 200 टाइम्स, कितना हो गया 200 टाइम्स, ठीक है। आपको किस किस का निकालना है, ए और बी का निकालना ना, तो भाई ए का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे, और अगर बी का निकालना तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसको बनाने का तरीका, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से इसको बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात सभी को, ओके। तो इतना हो गया हमारे पास, है ना, चलिए फिर तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। सो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा, ठीक है, सभी को क्लियर बात है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशो लिख देना है इस तरह से, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को इक्वल करके एबीसी का रेशो निकाल लीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक, चलो ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना, इस तरह के क्वेश्चंस जो है यार ये टाइम एंड वर्क के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, कि जिसमें आपको कंपैरिजन रहेगा कुछ मेंबर्स का, ठीक है, तो उसमें आपको पूछे जाएंगे। तो फिलहाल देखो आपके पास क्या लिखा हुआ, लिख लेते हैं उसको,
देखो आपके पास क्या है, ए रेशो बी प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास कितना, 4:5। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बी रेशो ए प्लस सी, ये रेशो हमारे पास कितना लिखा, 5:7। नाउ यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट ए रेशो बी रेशो सी। कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा लीजिए। तो आपको क्या निकालना है यहां से, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यार अगर ऊपर हम लोग देखें तो यहां भी ए बी सी है ना, और नीचे अगर देखोगे तो यहां भी ए बी सी आपके पास अवेलेबल, ऊपर भी ए बी सी है और नीचे भी क्या आपके पास ए बी सी है ना, दोनों जगह सिमिलर डेटा है। लेकिन यहां पर अगर हम इनका सम करके देखें कि आपने अगर इनका सम किया तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इनका सम अगर आपने किया तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं तो 7 प्लस 5 कितना बनेगा, 12 बनेगा आपके पास। तो इसका सम हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है यार, ऊपर तो 9 आ रहा, नीचे हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब अगर कोई भी अमाउंट होगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ऊपर भी एबीसी और नीचे भी एबीसी है, अगर कोई पैसा भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दोनों जगह क्या होना चाहिए, सिमिलरली पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ठीक है, मान के चलो कि आपके पास 100 रुपए हैं और उनको अगर एबीसी में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी कि इधर तो 9 हो रहा है, इधर 5, 12 हो रहा है, कैसे कैसे। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिमिलर बनाना पड़ेगा। तो सिमिलर आप कैसे बनाएंगे इसको, सो देखिए ये 9 है और ये 12 है, तो आप एक काम करिए इन दोनों का निकालिए एलसीएम। ठीक है, सो 9 और 12, तो भाई एलसीएम कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर कौन है, 12, तो 12 के मल्टीपल, तो 12 के मल्टीपल कितना बनेगा, 36। ठीक है, जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, छोटा नंबर, तो 36 अगर होगा तो इसको 36 करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से कर देंगे। देखो 12 3 36, 9 4 से कितना हो गया, 36 हो गया हमारे पास। अब यार ये जो पूरा पार्ट होगा ये हमारे लिए मेन रेशियो निकालने के लिए हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। ठीक है, ये हेल्पिंग हैंड का काम करेगा हमारे पास। अब देखिएगा 4 4 जा, तो 4 4 जा कितना हो गया, 16। ठीक है, 4 5 जा कितना बनाया, 20। क्लियर, अब नीचे देखिए 3 5 जा कितना हो गया, बोले 15 हो गया सर, मैंने कहा ठीक है। 7 3 जा कितना बना, 21, तो ये 21 हो गया आपके पास। अब देखो ऊपर की अगर बात कर लें तो 36, नीचे की भी अगर बात कर लोगे तो 36 बन रहा हमारे पास। सो यहां से यू कैन कैलकुलेट ए रेशो बी रेशो सी। तो अगर आप ए की बात कर लोगे तो ए आपके पास कितना दिख रहा है, यहां से 16 नजर आ रहा है, तो बोले सर ये तो 16 हो गया आपके पास। ठीक है, अगर बी की बात कर लो तो बी आपके पास कितना दिख रहा है, 15 दिख रहा है, तो बी हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब देखो यार बी प्लस सी की बात कर लें तो वो 20 है आपके पास, अगर B प्लस सी की अगर बात कर लें तो वो कितना है, 20 आपके पास। ठीक है, और B हमारे पास कितना, 15 है, तो सीधी बात है कि C हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशो किसका आ गया आपके पास, A रेशो B रेशो C का आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर बात, ध्यान रखना कि हाँ भाई ऊपर भी अगर सिमिलर है नीचे भी सिमिलर डेटा है तो उसको मतलब एड करके इक्वेट बना लेते, मतलब इक्वल बना लेते हम लोग उसमें। ठीक है, क्लियर, चलेगा फिर। चलो कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए इसमें, आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, हाँ भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, कुछ हल्का सा सिमिलर पैटर्न ही उसका, क्वेश्चन का क्या दे रखा है आपके पास देखो जरा, 7200 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो 3:4:5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बट बाई मिस्टेक इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 2:1:3 रिस्पेक्टिवली, फाइन हाउ मच अमाउंट गेन और लॉस टू ए बी सी। ओके, तो भाई आपको ये बताना कि कुछ रेशियो पहले था ए बी सी का और बाद में गलती से किसी और रेशियो में डिवाइड कर लिया आपने, तो बोले किसी को किसको कितना लॉस हो गया, किसको कितना प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग कि आप पहले लिख लो कि ए बी और सी, एबीसी तीन बंदे हमारे पास। अब अगर देखा जाए तो एबीसी के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, तो बोले 3:4:5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब ये सही रेशियो था लेकिन गलती से किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2:1:3 में, तो यहां हो गया 2:1:3 है ना, ये सही रेशियो था लेकिन ये तो गलत रेशियो हो गया,
कि सही रेशियो में करना था, आपने गलत रेशियो में डिवाइड कर दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, तो कुछ तो वेरिएशन आएगा आएगा, सीधी बात है यार, किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा। और पैसा आपके पास कुल मिलाकर कितना था, 7222। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बोले इसके पहले वाला जो हमने कंसेप्ट देखा था उसी को देखते हैं इसके अंदर में। ठीक है, सो कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा लीजिए अभी। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, देखें आप ऊपर वाले पार्ट की बात कर ले चाहे नीचे वाले पार्ट की बात कर ले, आपको अमाउंट जो है वो एक ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अमाउंट हमें क्या करना है, एक ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम इस वाले पार्ट की बात कर ले, इस वाले पार्ट की बात कर ले, तो टोटल कितना बन रहा है, देखो जरा टोटल कितना बन रहा है आपके पास। देखो पांच चार कितना हो गया, नौ, दस ग्यारह बारह, मतलब 12 हो गया हमारे पास, ये तो 12 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसकी बात कर ले यहां से, तो देखो 3 और 5, 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 हो रहा है आपके पास, ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है आपके पास। ठीक है, बट यार यहां पर 12 है यहां पर 6 है, बट दोनों जगह क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए हमारे पास। तो क्या करेंगे आप लोग कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 12 बन गया, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो गाइस क्या होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई भी किससे कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा यहां से देखो, अगर ए की बात कर ले तो ए को पहले कितना मिल रहा था, 3, और अभी कितना मिल रहा है, 4, पहले 3 और अभी कितना मिल रहा है, 4, तो इसको तो एक ज्यादा मिल रहा है, इसको तो एक ज्यादा मिल रहा है। अगर बी की बात कर ले तो पहले 4 था, अभी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो पहले 4 अभी 2, मतलब कितना हो गया इसको, इसको तो -2 मिल रहा है। अगर सी की बात कर ले तो सी को पहले 5 था, अभी कितना है, 6, तो इसको क्या हो गया, एक ज्यादा मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए कि इसको एक ज्यादा मिल रहा है, इसको एक ज्यादा मिल रहा है, इसको 2 कम मिल रहे हैं, तो वो एक इसका इसके पास चले गया, एक इसका इसके पास चले गया बेसिकली। ठीक है, तो यहां से हम बता सकते भाई किसको कितना कम ज्यादा मिलेगा। तो टोटल कितना था हमारे पास, 12। तो आप ये बोल सकते हो कि 12 पार्ट्स जो हैं, सर इसी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7200, है ना। तो 1 पार्ट की बात करें तो कितना हो गया, 12 5 60 12 6 कितना गया, 72, मतलब 600 कितना बना, 600। तो अगर 1 पार्ट की वैल्यू 600 है, तो अगर आप ए की बात कर लोगे तो ए को 600 से अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो आप बोलोगे ए को 600 रुपए मिलेंगे, क्या 600 रुपए मिलेंगे ज्यादा। ठीक है, इसकी अगर बात जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ तो इसको बोल देंगे कि इतने इतने पार्ट्स मिलेंगे ना बेसिकली, तो क्या होगा इसको 600 ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसको 600 ज्यादा मिलेंगे यहां से, और इसकी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा इसको, 1200 रुपीस, और इसकी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, 600 रुपीस। ठीक है, क्लियर बात सभी को, इतना आपको समझ में आना चाहिए, ओके। ठीक है, चलिएगा तो फिर, ओके चलिए कंप्यूटर जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए इसमें। हाँ भाई, अब देखो रेशियो प्रोपोर्शन में आगे और देखिए हम लोग चीजें, तो क्या है कि देखो रेशियो प्रोपोर्शन ना काफी बड़ा टॉपिक है, देखो काफी सारी चीजें, मतलब ढेर सारी चीजें इसके अंदर, है ना, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, काफी सारी चीजें इसके अंदर। चलिए एक काफी फेमस क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम इसको। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, इन अ फ्रेश फ्रूट क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय वेट इज 68% एंड इन ड्राई फ्रूट्स इट इज 20%। ठीक है, हाउ मेनी केजी ऑफ ड्राइड फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, सो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। ठीक है, देखो काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी बनाने का तरीका काफी आसान रहेगा हम लोगों का, है ना, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना ज्यादा। अब इसके अंदर भी बात वही होगी सिमिलैरिटी वाली कि भाई क्या सिमिलर होगा इसमें, है ना। तो देखो दो चीजें हमारे पास है कि अगर कोई फ्रूट होता है हमारे पास, मान लो कोई भी फ्रूट है आपके पास, जैसे मान लीजिए एक फ्रूट ये हो गया, है ना, एक फ्रेश फ्रूट होगा और एक क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स होगा आपके पास। सो लेट सपोज कि अपने एग्जाम्पल लिया अंगूर का, अंगूर देखा होगा सभी ने, ठीक है, तो ये लिया हम लोगों ने, क्या एक अंगूर लिया फ्रेश, ये क्या फ्रेश फ्रूट, ठीक है, और इसी अंगूर को अगर, मतलब सपोज करो इसका पानी जो सूख जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो किशमिश बनेगा। ठीक है, तो किशमिश कुछ ऐसा ऐसा सा बन जाता है, ऐसा बनता है। ठीक है, तो क्या है कि अगर इसमें और इसमें हम एक सिमिलर पार्ट देखें तो दोनों में सिमिलर पार्ट क्या होगा, भाई वाटर पहले इसमें ज्यादा था, फ्रेश था, वाटर फिर कम हो गया, ठीक है, तो ड्राई बन गया बेसिकली। ठीक है, देखो ड्राई बना है, उसमें थोड़ा मॉइस्चराइजेशन तो होगा, ठीक है,
तो इन दोनों में जो सिमिलर पार्ट है वो क्या है? हम बोल सकते हैं कि दोनों में जो सिमिलर पार्ट है ना सर, वो पल्ब वाला पार्ट दोनों में क्या होगा? सिमिलर होगा आपके पास. क्या होगा? पल्ब वाला पार्ट क्या होगा? दोनों में सिमिलर होगा. बस उसी पॉइंट को पकड़ना है, ठीक है, कि दोनों में फ्रेश फ्रूट की बात कर लो या ड्राई फ्रूट की बात कर लो, दोनों में पल्ब वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? सिमिलर होगा हमारे पास, ठीक है. सो देखिएगा, अगर हम किसकी बात कर ले, वॉटर की, वॉटर और पल्ब की बात कर ले, वॉटर और पल्ब की अगर बात कर ले, ठीक है, तो वॉटर और पल्ब की अगर बात कर लेंगे तो पहले आपके पास किसका दे रखा? फ्रेश फ्रूट की बात हुई पहले, तो फ्रेश फ्रूट. तो उसने बोला कि फ्रेश फ्रूट जो है उसमें वाटर कितना बना? 68% क्या है? वाटर है उसके अंदर. 68% क्या है? वाटर है, ठीक है. तो देखो यार, हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं, ठीक है, 68%. तो 68% क्या है उसके अंदर? वाटर है. 68% क्या है उसके अंदर? वाटर है, ठीक है, यहां लिख देते हैं. 68% क्या है? वाटर है. क्लियर? अब 68% वाटर है तो बचा हुआ क्या होगा? पल्ब होगा उसके अंदर, ठीक है. तो ये वाटर है तो पल्ब का जो पोर्शन बचेगा हमारे पास, पल्ब कितना बचेगा इसके अंदर? अब बोलोगे सर 32%, है ना. अब देखो जोड़ोगे तो 100% बनता है कि नहीं बनता, होता है. अब देखो यार, आप रेशियो निकाल लीजिए यहां से. तो रेशियो की अगर बात करें तो दोनों किससे कैंसिल हो जाएंगे? 4 से कर लीजिए, तो 17 4 होता है 68, और 4 से करेंगे तो 8 4 होता है 32, ठीक है, 8 4 32, 17 4 68. तो रेशियो जो निकला यहां पे वाटर का और पल्ब का कितना बना? 17:8 हो गया, 8 हो गया हमारे पास, ठीक है. तो फ्रेश फ्रूट की बात होगी. अच्छा, ड्राई फ्रूट्स की अगर बात कर ले तो ड्राई फ्रूट्स में क्या है भाई, कि ड्राई फ्रूट्स को भी देख लेते हैं हम लोग कि उसमें पल्ब और वाटर की कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, ठीक है. सो देखो, ड्राई फ्रूट्स की अगर बात कर ले तो ड्राई फ्रूट्स में जो वाटर का कंडीशन है वो 20% है. ये तो फ्रेश का था, ड्राई का देखो 20% वाटर है, तो पल्ब कितना होगा उसमें? 80%. पल्ब कितना होगा? 80%. अच्छा, कैंसिल कर लो इसको भी, तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपके पास. ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेसिकली. तो यहां बनेगा ये 1 और यहां कितना बना? 4 बना, ठीक है. अच्छा, अब अगर दोनों जगह बात कर ले तो पल्ब हमारे पास क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए पल्ब आपके पास. बट यार यहां तो पल्ब कितना है? 8 है, यहां कितना है? 4 है. ये तो गड़बड़ है. तो हमें पता है कि गड़बड़ है तो क्या करेंगे? सिमिलर बनाएंगे इन दोनों को, ठीक है. अच्छा, सिमिलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप एक काम करिए, इस वाले पार्ट को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अगर आपने 2 से मल्टीप्लीकेशन किया इसको, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स की जो कंडीशन बनेगी हमारे पास नई वाली, उसमें 2 से ये 2 हो जाएगा, ठीक है. 2 4 से कितना हो गया? 8 हो गया हमारे पास. कितना हो गया? 8 हो गया बेसिकली, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया आपके पास खत्म. चलो, पल्ब दोनों जगह सिमिलर हो गया. अब क्या करें? अब क्या करें? अब देखो कि आपके पास कितना दे रखा उसने, कितना दे के रखा गाइस. देखो, ड्राई आपको फ्रेश फ्रूट्स गिवन है कितने? 100 kg. तो 100 kg के जो फ्रेश फ्रूट्स है उससे ड्राई फ्रूट्स कितने बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, वही पूछा उसने. तो आप देखो कि जो फ्रेश फ्रूट वाला पार्ट है, टोटल फ्रेश फ्रूट वाला टोटल पार्ट जो गिवन है 17 + 8, तो 17 + 8 कितना होगा? 17 + 8 कितना होगा भाई? 320, मतलब 25. कितना बनेगा? 25. क्लियर है? ठीक है, कंप्लीट जो क्वेश्चन हटा दीजिए थोड़ा. तो 25 पार्ट तो ये बन गया. अब इसी 25 पार्ट की जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है वो कितनी है? 100 है. कितनी है? 100 है. तो 25 से कितनी बार गया? 4 टाइम्स हो गया आपके पास. अच्छा, तो ड्राई फ्रूट्स का पार्ट देखो कितना बन रहा है, ये 10 हो रहा है आपके पास. तो इसको भी क्या कर देंगे आप लोग? 4 टाइम्स कर दीजिए. तो आंसर कितना बनेगा? 40 kg. कितना बनेगा? 40 kg. तो 40 kg इज द राइट आंसर. 40 kg इज द राइट आंसर. ठीक है, सिंपल सी बात थी आपके पास कि भाई फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की कहानी थी हमारे पास. ठीक है, सो आपको पता है कि फ्रेश फ्रूट्स के अंदर वाटर कितना था? 68%. ठीक है, तो पल्ब कितना बचेगा? 32%. तो रेशो कितना बना? 17:8 हो गया हमारे पास. अब दूसरा था ड्राई फ्रूट्स का. सो ड्राई फ्रूट्स के बारे में दे रखा था कि पानी कितना उसमें? 20%. तो अगर 20% पानी होगा तो पल्ब कितना बनेगा? 80% बनेगा. तो उसमें रेशो कितना निकला? 1:4 का. बट हमें एक चीज पता थी कि दोनों में जो पल्ब वाला पार्ट है वो सिमिलर होगा. ठीक है, तो लेकिन यहां पर 8 था और यहां पर कितना था? 4 था. आपने दोनों को क्या बनाया? सिमिलर बनाया. ठीक है, तो आपने भाई सिमिलर बनाया 2 से मल्टीप्लाई करके. अब क्या करना है आपको? 100 केजी के फ्रेश फ्रूट्स थे, उन्हीं से आपको बनाना ड्राई फ्रूट्स कितने बन सकते हैं. तो भाई ये टोटल कितने पार्ट्स बना? 25 पार्ट्स. सो 25 पार्ट्स का ही वैल्यू हमारे पास कितना है? 100 है. तो 1 पार्ट कितना होगा? 4 टाइम्स आ रहा है इसका. ठीक है, अच्छी बात है. तो ये हमारे 10 पार्ट्स निकालने थे, तो 10 पार्ट्स का वैल्यू कितना होगा? 40. तो आंसर कितना बना? 40 kg. आई होप इट शुड बी क्लियर नाउ. ओके, डन. ठीक है, चलो गाइस. सो कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
तो गाइज ये आज के सेशन का देखा लास्ट क्वेश्चन है ना। वैसे इसमें काफी सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, है ना, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसमें, अलग अलग ट्रिक्स हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं काफी आसानी से, ठीक है, वो पार्ट्स भी हैं इसमें, बट सारी चीजें अभी ले नहीं पाएंगे ना यार, कुछ ही चीजें हमने ली है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, ये काफी फेमस क्वेश्चन है ना। अब जानते हैं इसको कि द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, हाँ थोड़ा डेटा, हाँ ठीक है, द लैंड एंड वाटर ऑन द होल अर्थ इज 1:2 एंड ऑन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 2:3। देन फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है भाई कैसे बनाएंगे इसको, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है काफी आसानी से बन सकता है ना। देखो बनाते हैं इसको, ओके लैंड और वाटर का है ना, ओके फाइन, देखिए लैंड और ये हो गया पास क्या वाटर, दो ही चीज हमारे पास लैंड और वाटर का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा लैंड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक तो टोटल अर्थ के ऊपर दे रखा है, तो पूरी अर्थ के ऊपर देख लेंगे, यहां से दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है पूरी अर्थ के ऊपर दिख जाएगा, लैंड का होगा वाटर का होगा, ठीक है तो टोटल अर्थ पे देखते हैं पहले, तो टोटल अर्थ पे है ना, टोटल अर्थ पे कितना देखते हैं, तो टोटल अर्थ पे जो रेशियो आपके पास अवेलेबल है वो कितना 1:2 का है। तो गाइज अगर ये 1 है तो ये हमारे पास दे रखा 2, ठीक है ये हमारे पास कितना दे रखा 2 दे रखा इसने, बोले ठीक है सर। अब नेक्स्ट अगर बात कर ले तो आपके पास नॉर्थन हेमिस्फीयर का दे रखा है, तो भाई नॉर्थन हेमिस्फीयर का हम यहां देख लेते हैं इसको, नॉर्थन हेमिस्फीयर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सो नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर देखा जाए तो ये रेशियो हमारे पास कितना 2:3, ये हमारे पास कितना 2:3 है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक चीज पता है यार, क्या पता है कि नॉर्थ और साउथ अगर हम इसके अर्थ की अगर बात कर लें तो नॉर्थ और साउथ दो ही पोल होते हैं, ठीक है। अच्छा तो अगर टोटल अर्थ की बात कर ले, यहाँ पे टोटल अर्थ की बात कर ले तो टोटल अर्थ हमारे पास टोटल कितना हो रहा है पार्ट, कितने पार्ट हो रहे हैं 3 पार्ट हो रहे हैं, कितने पार्ट हो रहे हैं हमारे पास टोटल पार्ट 3 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर की अगर बात कर ले तो ये टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हो रहे हैं 2+3 मतलब ये तो 5 हो रहा है सर, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा लीजिए यहाँ से, है ना कि ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास कितना हुआ 5 बना बेसिकली, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब एक काम करेंगे हम लोग, क्या काम करेंगे कि यार आपको पता है कि टोटल अर्थ कितना है सब मिला के 3 हो रहा है आपके पास, ठीक है और 3 हो रहा है तो 3 का हाफ कितना होगा, आप बोलेंगे 3/2 होगा सर, 3 का हाफ कितना होगा 3/2 होगा। सो सीधी सीधी बात है नॉर्थन हेमिस्फीयर में 3/2 होना चाहिए और साउथर्न हेमिस्फीयर में कितना होना चाहिए 3/2 होना चाहिए, बेसिकली दोनों जगह सिमिलर होना चाहिए। सो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास कितना बने 3/2 बन जाए बेसिकली, मतलब सीधी सीधी बात इतनी सी है कि आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो 3/2 बन जाएगा, यही तो बात होगी ना, यही बात होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा तो देखो जरा x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आप बोलोगे सर 10 होगा ये नीचे, ठीक है तो 3/10 मतलब 0.3 बन जाएगा, कितना बनेगा 0.3 बन जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 0.3 से, समझ में आना 0.3 से मल्टीप्लाई क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि आप नॉर्थ और साउथ, अरे पूरी जो अर्थ होगी आपके पास उसमें एक नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा एक साउथ हेमिस्फीयर होगा आपके पास, तो ये आधा और ये आधा, तो 3 का हाफ कितना होगा आपके पास कि 3/2 और एक साइड 3/2 होगा हमारे पास, तो यार 3/2 है तो ये 5 जो है ना इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना ताकि 3/2 बन जाए, तो आपने बोला ठीक है सर x से मल्टीप्लाई कर दो 3/2 बन जाएगा, है ना। देखो प्रैक्टिस करने के बाद तो डायरेक्टली बनेगी चीजें, तो x का वैल्यू कितना निकला 0.3, तो 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, अगर 0.3 से मल्टीप्लाई आपने किया ठीक है तो बताओ कि रेशियो क्या आने वाला आपके पास, यहां से देखो 3/2 से कितना हो गया 6 मतलब 0.6, ठीक है 3/3 से कितना हो गया 9 मतलब 0.9, क्लियर बात, ठीक है। तो ये तो पुराना रेशियो था, ये पुराना रेशियो था, हमें सिर्फ नए से मतलब है, ठीक है। तो अगर साउथ इन हेमिस्फीयर की अगर बात कर लेंगे तो देखिए टोटल अर्थ 1, ये 0.6 हो गया तो बचा कितना हमारे पास 0.4, कितना बचा आपके पास 0.4 बचा, ठीक है। अच्छा ये 2 है ये 0.9 है तो बचा कितना 1.1 बचा, ठीक है कैंसिल कर दो इसको, कितना रेशियो आ रहा है देखो 4:11, ठीक है कितना रहा 4:11 का बन रहा बेसिकली, सबको बात ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है कि पहले 1:2 का था हमारे पास टोटल का, ठीक है नॉर्थ में कितना था
टू थ्री का था आपके पास, तो साउथर्न का आपको निकलना था बेसिकली, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सभी को बात, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में, एक बार वापस से रिवाइज मतलब वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, आपको पक्का क्लियर हो जाएगा ये। ओके गाइस, ठीक है। तो यार आज रेशियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। रेशियो में देखो और भी काफी सारी चीजें हैं, है ना, सीखने के लिए। इसमें आपको पहले बता कि इनकम एक्सपेंडिचर के सारे कई सारे क्वेश्चन है, जो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर आपका एजेस के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी स्टडी अच्छे से करिएगा। ये तो हमने कुछ ही चीजें देखी है, क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।